देश में 60 साल तक राज कर चुके कांग्रेस की राजनीति का स्तर देखिए। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा से मिलने के लिए अपना लिखा कोट पहनते हैं, तो सरकार का समय खराब हो जाता है और उस पर विवाद करोड़ों का हो जाता है। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। लेकिन जब उसी पार्टी के मुख्यमंत्री 70 लाख की घड़ी पहनते हैं तो कांग्रेस का समय ठीक हो जाता है और सब कुछ कांग्रेस के समय के अनुसार चलने लगता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लाखों के सूट पर करोड़ों का बवाल काटते हैं, लेकिन लखटकिया घड़ी पर उनकी जुबान अटक सी गई है, मानो जुबान की बैटरी उनकी पार्टी के सीएम ने निकाल ली हो। जी हाँ, अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी महंगी घड़ी के कारण विवादों में हैं। ये घड़ी स्विस कंपनी ह्यूब्लो की है और इसकी कीमत 70 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। सीएम को गिफ्ट में मिली ये लाखों की घड़ी कांग्रेस का वो समय बता रही है जो जनता से छुपाया गया है और चुपके से लिया गया है, जो सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री का अच्छा समय बताती है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब जनता दल सेक्युलर के HD कुमारस्वामी ने विदेशी घड़ी को सिद्धारमैया की कलाई पर देखा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घड़ी उन्हें 2 साल पहले तोहफे में मिली है, लेकिन जनता के सेवक ने इस महंगे तोहफे देने वाले का नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम बताते तो उस शख्स का समय खराब होता, क्योंकि उसे इस पर टैक्स देना होता और मुख्यमंत्री की ये घड़ी भी सरकार की प्रॉपर्टी होती। लेकिन इससे विवाद बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में अब तो ये प्रॉपर्टी सरकार की अमानत होगी। हीरे जड़ी हबलोट की जो घड़ी रमैया पहनते हैं उसका मूल्य है 68,56,000 और कस्टम ड्यूटी के बाद वो घड़ी करीब 70 लाख रुपए की हो जाती है। मतलब 70 लाख पर राहुल की चुप्पी कांग्रेस का कौन सा समय बता रही है, जरा सोचिएगा।